वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मेरे साथ हैं समीउल्लाह, पाकिस्तान बलूचिस्तान खारान से। डिनर बिरयानी बिरयानी का नभी पैसा वापस फिलहाल ये तो यार तो वीजा है ना तो दो फाइनेंशियल मसला वापस दौरा ना शेबई ऑफिसर चौंको है पासपोर्ट हमें सिक्योरिटी गार्ड तवारपुर से दासन से रिजेक्ट है और जस्ट कना छह बजे से जवाब मत वापस गया नी ए दौरान के मां अंचो लड़दो मोको शामिल तो भी रिजेक्ट है पर तेरी कार शो मना शी निंद मा काया शी शो वा तंचो नी पासपोर्ट है डार एक मोचो तो दिल पसंद अच्छे तो मिट्टा के डब्बो दो शुक्राने नफा दातो ना तो मारे अरे पासपोर्ट मर्च बानो सक मसला बे गए वीजा है सॉरी मने वीजा चु ना दे गए देखे यार सेंट पीटर्सबर्ग अच्छा एक मर्द में आता बलोचिया आई मतलब चुक सेंट पीटर्सबर्ग गया बोले ये पेतारा वीजा मत आते चुक कर दो फिर चुक ना चुक अमो दे चुक का स्पोंसर बताओ थी पेतारा अच्छा। तो रशिया वीजा चो आसान मत समझे ओ यार मखलूक से लाइट ले बस टाइम आई ना बॉडी फ्लो मतलब बन में जाओ आई तो इमिग्रेशन में मुझे तकरीबन 2 घंटे बैठना है बॉडी फ्लो का बात है सेकंड टाइम आया तो मतलब 10 से 15 मिनट में छोड़ दे मेरे ख्याल में इसलिए था कि तुम एक बार आप पहले आ चुके हो यहां पे पासपोर्ट पे वीजा लगे हैं ऊपर से थोड़ी बहुत रशियन तो आती होगी आपको और एक सीन है मतलब एक बंदा था तो उसका हेल्प किसी किया था एडमिशन के लिए कहा था कि वीजा मिलने के बाद मैं तुम्हें फी पे करूंगा अच्छा तो उसको वीजा वगैरह सब कुछ मिल गया उसने ये किया यूनिवर्सिटी को फोन किया कह रहे कि मैं आपके पास पढ़ने नहीं जा रहा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ तो उसने जब टिकट वगैरह किया उसके पास वीजा ऑलरेडी था तो उसने यही सोचा कि मैं रशिया में आके कुछ ना कुछ कर लूँगा तो जब मॉस्को में पहुँचा विनुकोवा एयरपोर्ट में तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर ने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी इसने यूनिवर्सिटी का नाम दिया हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पे फोन किया तो कह रहा है कि हम लोगों ने इसको पहले से एक्सपेल किया हुआ है वापस अपने कंट्री भेज दिया इसको ले भाई इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी भाई इस तरह है कि एक बार जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वही आपको एयरपोर्ट से क्लियर करवाती है ऐसा है ना उसके बाद फोन करते हैं वहां पर उसके बाद आप बाहर जाके अगर भी यूनिवर्सिटी बदलनी है तो उसके बाद कर सकते हो ठीक है ना भाई मान मसाला मान कर लगे ईशान मसाला भाई संगत या टीसीएस कुर्ता ऑल द वे फ्रॉम लियारी बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया में फ्री स्टडी कैसे करते हैं और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को एडमिशन लेना हो तो आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है आप लोग ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो अपने बलबूते पे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा तो जब भी कहीं बाहर स्टडी करना हो नॉट ओनली रशिया किसी और कंट्री में भी स्टडी करना हो तो आप लोगों को मैं ऑनलाइन उसका ट्यूटोरियल बताऊंगा तो आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी लोगों के थ्रू आते हैं मॉस्को में और यहाँ पर आके उनको पता चलता है कि उनकी फ़ीस पे नहीं हुई है और उनके पैसे गए हैं उन एजेंट के जेब में तो बराए मेहरबानी जब तक आप लोगों को किसी भी चीज़ की रसीद ना मिले या सबूत कोई ना हो तो आप लोग किसी को पेमेंट नहीं देना और किसी को पैसे नहीं देना।
कुछ स्टूडेंट यही सोच के आते हैं कि हम लोग वहाँ पढ़ जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो पैसे कमाने के लिए आते हैं आप मॉस्को ना आए। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ। अगर आप पढ़ने के लिए से आ रहे हैं तो बेशक मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पर स्टडी करना बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वहाँ की फ़ीस कितनी है, यहाँ पाकिस्तानी तकरीबन 6,500 से 7,000 बनते हैं पाकिस्तानी, और पर ईयर यूनिवर्सिटी फ़ीस है मेरी 2.5 से 3 लाख के दरमियान, मतलब आ जाता है पर ईयर एक साल का। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है, तो आप अगर स्टडी के लिहाज से आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप काम करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो गलती नहीं करना इस चीज़ की, इतने पैसे बचाएं, काम करना है तो पाकिस्तान में ही काम करें इतने पैसों में, तो बेहतर है आप लोगों के लिए। और भाई ये समीला हैदराबाद से ए लेवल कर चुके हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान में रहते हैं, खारान से मॉस्को में स्टडी करने आए हैं। फाइनल स्टेज है। हाँ चावल मांग कर गया भाई, प्यार सर, प्यार मोहब्बत अमन भाईचारा, ये हो गया भाई। थोड़ा सा घुमाओ इसको, क्या कहते हैं उर्दू में? असर। अरे असर तो बलूची में कहते हैं इसको। चम्मच।